सन 1704 सरहंद दे नवाब वजीर खान दी कचहरी विच जदों जबर दी हनेरी झुल रही सी तां उस समय नफरत दा वगदा दरिया थम गया जदों दशमेश पिता दे लाडले फरजंद बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह दे फतवे नूं ना कबूलते हुए मलेरकोटला के नवाब शेर मुहम्मद खान ने बगावत कर दी। जदों शेर मुहम्मद खान ने बगावत की तो सुच्चा नंद ने वजीर खान की हां विच हां मिलाउंदिया कहा कि सप दे बच्चे सपोड़िए हुंदे ने, तैनू अपने भरा की मौत का बदला लेना चाहिदा। तां नवाब शेर मुहम्मद खान ने कहा, सूरमै मैदाने जंग विच सूरमियां तों बदला लेंदे ने, मेरा धर्म बच्चियां नाल हो रही ज्यादती की इजाजत नहीं दिंदा, मैं तुहाडे गुनाह विच शामिल नहीं हाँ। तां नवाब शेर खान भरी सभा विचों उठ के चला गया। ते इतिहास दे सफ़ियां ते सुनहरी अखरां विच हादा नारा मारन वाला इंसानियत पसंद सूरवीर वजों उभरिया। दशमेश पिता जी ने इस महान पुरश नूं खत लिख के उसकी बहादुरी की सराहना की। सिख मिसलां दे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया अते सरदार वघेल सिंह दे खालसा राज समें किसी भी सिख सरदार ने मलेरकोटला ते हमला नहीं किया। उन्नीस सौ 1947 की वंड समें इतिहास के खूनी वर्कों च मलेरकोटला नफरत की अग का शिकार नहीं होया। पर अफसोस उस महान सूरवीर का गुरु घर तो मलेरकोटला च स्थापित है, पर उसका घर शाही किला खंडर दियां उखड़ दियां इट्टां नाल ही उखड़ रहा है।